नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जशोदा की रसोई। और आज हम बनाने वाले हैं होममेड स्टीम हरियाली कबाब। जी हाँ, होममेड बनाएंगे हम कबाब स्टीम करके, लेकिन वो आपको लगेगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूर किया हुआ। तो उसके लिए लेंगे हम 500 ग्राम बोनलेस चिकन, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 8 से 10 हरी मिर्च, एक अदरक, 2 नींबू, पुदीना और धनिया, चिकन मसाला, गरम मसाला और नमक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडर में हम 8 से 10 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन डाल देंगे, साथ ही साथ अदरक भी हम डाल देंगे। हम लोग ने 1 इंच अदरक लिया था, उसे हम लोग ने स्लाइस करके डाल दिया है। 1 मुट्ठी पुदीना और हम जो 500 ग्राम चिकन लिया था वो डाल देंगे। हमने चिकन ब्रेस्ट लिया हुआ है दोस्तों और उसको क्यूब्स में कट कर लिया था, और उसे हम ग्राइंडर में डाल के उसके ऊपर धनिया पत्ता डाल देंगे। सारा जादू इसी मिक्सचर में है दोस्तों, तो प्लीज अच्छे से बनाइएगा ये सेम टू सेम देखकर। अब हम निचोड़ेंगे 1 नींबू का रस, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बनेगा अगर आप इसे घर पे अपने ट्राई करेंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे एकदम अच्छी तरह से। पीसने के बाद, ग्राइंड होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। चिकन एकदम मिंस हो चुका है, पीस चुका है पूरा, और सारे मसाले भी, मसाले एज इन हम धनिया और पुदीने की बात कर रहे हैं। अब उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चिकन मसाला और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। डालेंगे 1 चम्मच अंदाजन तेल, 1 टेबलस्पून तेल, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। हमने ऑलरेडी एक पतीले में पानी डालकर उसके ऊपर एक कोलैंडर यानी बड़ा छन्नी रखा हुआ है स्टीम करने के लिए हमारे कबाब को। अब हम कुछ इस प्रकार इसे लंबा लंबा लोई में इसे हम ये कर लेंगे, शेप कर लेंगे, कुछ इस प्रकार होना चाहिए। 4-4 इंच के लंबे लोई बना लीजिए आप। देखिए दोस्तों, हमने लंबे लंबे से लोई बना लिए हैं और हमारा स्टीमर भी तैयार है। देख सकते हैं हम, धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब हम हमारे कबाब्स को उसके ऊपर रख देंगे स्टीम होने के लिए अराउंड 10 से 15 मिनट के लिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी पसंद आ रही है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। कमेंट करिए प्लीज़ हमारे चैनल पर, शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, लाइक कीजिए। जब तक स्टीम हो रहा है हमारे कबाब, हम उसके लिए चटनी बना लेते हैं। हम हमारी ग्रीन चटनी बना लेंगे, जिसके लिए हम लोग ने डाला है 4 कलियां लहसुन के, 1/2 इंच अदरक डाला है, 3 से 4 हरी मिर्च डाली है, धनिया और पुदीना भी डाल रहे हैं। डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आधे नींबू का रस,
चलिए पूरा डाल देते हैं हम। एक नींबू का रस डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद आपके जो कबाब है वो कुक हो चुके हैं, अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। हम इसे उतार लेंगे। अब हम एक क्या बोलते हैं इसे, स्क्यूअर का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम गैस पर कबाब को हम सेकेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं हमें इसे सेकना है, जस्ट इसमें कलर आ जाना चाहिए एक गोल्डन सा। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार कलर आ जाना चाहिए। इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें हम हमारे कबाब्स को डाल देंगे। हमने साइड में कोयला गरम होने के लिए रखा है ताकि हम हमारे कबाब को स्मोक दे सके, धुंगार दे सके। चारों तरफ हमें कबाब को रखना है, बीच में जगह खाली रखनी है। कोयला जो है ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। अब हम इसे बीच में रखकर लेंगे हम एक इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और दो लौंग। कोयले के ऊपर रखेंगे हम इसे और इसमें बटर डाल देंगे। और इसे बंद कर देंगे, ढक्कन दे देंगे। साथ ही साथ हम हरी चटनी जो थी उसका जो रस बचा है वो भी इसमें डाल देंगे। यही एक मेन मैजिक है दोस्तों, ये हरी चटनी का इस कबाब में डालने का एक मकसद है। तैयार है आपका होममेड स्टीम्ड हरियाली कबाब दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर